हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैरोट लवर चंदू। गाइस, आज आप लोग के साथ कुछ स्पेशल टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। क्या होगा, मेरे सब्सक्राइबर 54 है और मेरे व्यूअर्स देखिए उसमें कितना दिख रहा है, 174। खाली इसी वीडियो की बात नहीं, मेरे बहुत सारे वीडियो है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे व्यूअर्स आते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, सब लोग वीडियो देख रहे हैं मेरा। बट तो मेरी आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि जो भाई आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरे यूट्यूबर की तरह मैं स्टार्टिंग में वीडियो की, जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो मैं आप लोग से ये नहीं कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। मैं ये समझता हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स है, जितने भी सब्सक्राइबर्स है, वो सारे के सारे समझदार है, मुझे इस चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस खाली फॉर्मेलिटी पूरा करने को मैं लास्ट में एक बार बोल देता हूँ। तो गाइज, आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरा कि मेरी वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहेगा और मैं आप लोग तक अच्छे अच्छे वीडियो बना के भेजते रहूँगा। यही बात करना था, इसीलिए मैंने वीडियो को आज बना रहा हूँ। अभी प्रोटो मेरे पास मेरे ऊपर बैठा हुआ है और साथ में प्रोटो के भाई चंदू भी बैठा है, चंदन। चंदू, वही चंदू जिसके नाम पर चैनल है पैरट लवर चंदन। पैरट लवर चंदू, चंदू। गाइस, प्रोटो का अभी सोने का टाइम हो गया है, बट मैं वीडियो बनाना था इसीलिए लेके उसको पास में बैठाया हूँ। अभी काटने में मास्टर हो गया प्रोटो, मुझे भी काटता है, बड़ा तेज काटता है। मेरे साथ तो प्यार जताता है, क्योंकि मैं जब बाहर से घर पे आता हूँ मेरी गाड़ी की आवाज़ सुन के आवाज़ करने लगता है, और पूरे जब केज के अंदर रहता है तो केज के अंदर इतना आगे पीछे ऊपर नीचे होके पूरा ये करता है, मेरे को देख के बहुत खुशी हो जाता है। और खुशी क्या, प्यार से वो इतना ज़ोर से काटता है कि मेरे को भी बहुत ज़ोर से लगता है, बहुत तेज काटता है वो। और उसका भाई और उसकी मम्मी, ये दोनों को तो देखेगा दूर से तो पूरा उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई अगर है तो ये दोनों हैं। तो इस तरह का बिहेवियर करता है उसके साथ, और दोनों को देख के इतना ऐसे रिएक्ट करता है जैसे अभी धीरे धीरे ये प्रोटो हमारा बड़ा हो रहा है। और अभी तो चाइल्ड टाइम है, तो जैसे बच्चे घर पे होते हैं, बच्चे भी काटते हैं सब कुछ, उसकी बच्चे का हर हरकत हमें सहना पड़ता है। तो उस तरह प्रोटो भी बहुत छोटा है, बहुत बच्चा है अभी हमारा, तो बच्चे का भी हरकत हमको सहन करना पड़ेगा। यही सोच के कोई भी, जितने भी लवर्स हैं पैरोट के, जो लोग भी पैरोट पाले हैं, उन लोग से मेरी खास विनती है, रिक्वेस्ट है कि अगर पैरोट काटता है तो उसके ऊपर आप गुस्सा मत होइए। वो नादान है, उसको समझ नहीं है, लेकिन हमें तो समझ है, हमें उसको उसी तरह केयर करना है जिस तरह हम पहले भी करते थे। कभी कभी क्या होता है, जब हमारे ऊपर हमें काटने लगता है तो हम उसके ऊपर गुस्सा हो के हम उसको ऐसा, मतलब दिमाग में ऐसा थिंकिंग आता है कि यार ये तो काटता है, उस प्यार कम मत करिए, प्यार उतना बेकरार रखिए। और वो एक दिन समझ जाएगा कि ये मेरे पेरेंट्स है, और वो काटता तभी इसीलिए काटता है क्योंकि वो समझता है कि मेरे ये अपना आदमी है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जो भी पैरोट पाले हैं, जी भी जिन लोग के पास भी पैरोट है। अब देखिए, ये मेरे हाथ को अभी काट नहीं रहा है, जैसे बच्चा था पूरा एकदम छोटा था जब फीडिंग मांग रहा था, जैसे इस टाइप का अभी ये कर रहा है मेरी उंगली को, बट ये काटता है, मुझे भी काटता है। और स्पेशली जब मैं बाहर से आता हूँ तभी ये मेरे को बहुत तेज काटता है, क्योंकि तब वो ऐसा, मुझे ऐसा फील होता है कि वो शायद ऐसा लग रहा है कि जब मैं आता हूँ उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे पापा मुझे छोड़ के कहाँ गए थे, हैं तो अभी तक कहाँ थे, ये बोल के वो काट देता है मुझे। मतलब एक तरफ से देखा जाए तो प्यार जताता है कि आप मुझे छोड़ के क्यों कहाँ गए थे। ये भी हमारा एक फैमिली मेंबर है और हम उसको भी उसी तरह भी रखते हैं,
जैसे हम लोग रहते हैं, इसका हर एक चीज खान पीन से लेके हर एक चीज एकदम फ्रेश रहता है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई कुछ भी दे दो उठा के खा लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम खाना पसंद करते हैं, जैसे हम पीना पसंद करते हैं, उसको भी उस तरह हम देते हैं। अगर नीचे गिरा हुआ चीज़ भी उसको नहीं देते हैं, सोचते हैं कि हम नीचे गिरा हुआ चीज़ को जब नहीं खाते हैं तो उसको क्यों दें, इस तरह है कि नहीं बेटा है? अरे चंदन की बात ही तो अलग है, वो तो उसका जो सीड्स रहता है सनफ्लावर्स का, हाँ तो सनफ्लावर का सीड्स उसकी केज से निकल के अपने से खा लेते। तो इस तरह का ये दोनों का चुप कराना एक ही सलूशन है, सीड्स दे दो उसके फिर में खाएगा तो चुप हो जाएगा। हाँ सही बोला। जब मैं आफ्टरनून में घर पे आता हूँ लॉन्च करने, तब इतना जोर से चिल्लाता है तो चंदन क्या करता है, समझ गया कि हाँ भाई ये चिल्ला रहा है तो इसकी आवाज़ अगर बंद करना है, एक ही सॉल्यूशन है कि केज के अंदर थोड़ा सीड्स रख दो, तो सीड्स में लगा रहेगा तो एकदम साइलेंट होके बैठ के अपना खाते रहेगा, है कि नहीं? और पापा भी जाते तो हर खाली बुलेट का आवाज कर देते ना जाते तो, पर भी होना चिल्लाता है ना पापा? सब समझता है टोटो, हमारा सब समझता है कि नहीं बेटो? और पापा को फोन भी आता है ना तभी भी चिल्लाता है। पापा से ज्यादा लगा तो नहीं चिल्लाता है, खाली पापा का फोन आ जाए तो चिल्लाता है। पापा का बेटा है ना, पापा का बेटा है, मम्मी का भी है, तुम्हारा भी भाई है। चलो प्रोटो, सबको गुड नाइट कह दो, गुड नाइट कह दो और वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। देखिए मेरे पापा के साथ क्या करना है, बट अभी जीव निकाल के। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाले न्यू वीडियो के अपडेट आप लोग तक पहले पहुंचे। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।